हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको चपोड़ा फोर्ट। तो ये जो है चपोड़ा फोर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको चपोड़ा फोर्ट। तो दोस्तों, ये चला गया चपोड़ा फोर्ट के लिए रोड सीधा। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से चढ़ाई हो जाती है चपोड़ा फोर्ट की। तो चल रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा मेला भी बैठ गया मेरा। दोस्तों चलते हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, थक चुके हैं बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। ये स्पाइसेस ब्रो, श्रीलंकन स्पाइसेस, गोवन स्पाइसेस। थैंक यू ब्रो। जल्दी का और पटाखे खड़ा रहने तो सच में आज आ जाओ, कुछ पिला दे, नींबू पानी, सोडा, कोकम जूस, दिल चाहता है लेमन सोडा। सर आ जाओ, सब कुछ मिलेगा पैसा छोड़ के। तो दोस्तों अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितनी चढ़ाई है। और चलते हैं ऊपर की तरफ, देख सकते हैं ऊपर कैसा यहाँ पे है। और साजिद भाई हमारे बहुत ही फास्ट जा रहे हैं भाई, देख लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्वाइट है। मैं और देखो तो क्यों मस्त दौड़ते हैं, मस्त रहे। और अभी फाइनली पहुँचे नहीं है दोस्तों। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास आपको दिख रहा होगा, ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। और यहाँ पे अभी सनसेट होता है तो बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। तो अभी हम ऊपरी की तरफ चलते हैं और देख सकते हैं दोस्तों कितनी, मतलब प्यारे प्यारे कफ रखे हुए हैं। और ये वाइन कफ हैं और ये जो है। सो भैया कितने का आते हैं कप भाई? 2000। किस चीज़ का है? बियर मार्क। तो दोस्तों ये है बियर मार्क 2000 का है। कुछ कम भैया? हाँ हो जाएगा, चाहिए तो आपको। कितना कितना मिनिमम? अभी चाहिए रिटर्न में। अब बता दो प्राइस, अभी जमेगा ले लेंगे आके। 1500 मैं आता रिटर्न। दोस्तों 1500 और वाइन ग्लासेस जो रहेंगे, रेड वाइन, वाइट वाइन ग्लास के लिए, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सजेस्ट किया है। और तो अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, जा रहे हैं एकदम। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं दोस्तों आज आप कम फास्ट ब्रो। और ये अब यहाँ से देख सकते हैं ये कौन सा डब्लू होटल है, शायद। हाँ डब्लू होटल वो है सामने, देख रहा होगा सर जो धमाल पिक्चर। हाँ धमाल पिक्चर में नहीं, शायद वो नहीं, वही है, वही है। मैं भी यहाँ तो डब्लू होटल वो है और बाकी ये होटल पूरा डब्लू है। और ये सामने में है, हाँ देख सकते हैं। और सामने आप देखो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और वो सामने अंजुना हो गया, ये अंजुना है सामने। और बाकी तो चलते हैं फिर अंजुना, फिर उसके आगे भागा, उसके आगे तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप बैग्स देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। और ये ड्रेसेस वगैरह हैं, शॉर्ट्स हैं। और ये है स्टोन आर्टिफिशियल। बट अभी यहाँ पे ना कस्टमर थोड़ा कम है क्योंकि लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, बट सुना जा रहा था कि लगने वाला नाइट कर्फ्यू, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी नाइट कर्फ्यू के लिए। क्योंकि जो इलेक्शन मार्च अप्रैल में होने वाले थे वो जनवरी फरवरी में जो है इलेक्शन हो जाएंगे। तो जैसा मैंने नेट पे देखा तो वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन इज़ कम्प्लीट, फिर उसके बाद उसके बाद नहीं कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट है, मतलब चपोड़ा फोर्ट जो लास्ट है यहाँ तक मार्केट है, ऊपर तक मार्केट ही मार्केट है। और भाई सांस फूल रही है, कोई दिक्कत ना। और ये क्या प्यारे प्यारे आर्टिफिशियल, फाइनली शायद पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और ये है गेट। तो ये है दोस्तों चपोड़ा फोर्ट, ये देख सकते हैं आप, ये है चपोड़ा फोर्ट। तो बाकी और चीज़ें हैं इसमें, पढ़ सकते हो। कौन सा? हाँ ये दिल चाहता है। तो
तो दोस्तों ये वो चफोरा फोर्ट है, ये दिल चाहता है, ये जो मूवी है आमिर खान की जो शूट हुई थी वो यहीं पर शूट हुई थी, ये वही खंडर है। बट अभी खंडर हो गया है, लेकिन हाँ इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी स्टोरी है, तो चलते हैं बताते हैं कुछ स्टोरी में आपके लिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेके आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। पृथ्वी गली जो पहले रहते थे यहाँ पे, तो वो जो है मराठा सम्राट मराठा की तरफ से जो आक्रमण वगैरह होता था, तो पृथ्वी गली इस यहाँ से जो है अपना बचाव करते थे अपने साथ है, जो वो यहाँ पानी की उससे आते थे तो आक्रमण वगैरह करते थे। तो ये है कि यही स्टोरी है और ये बहुत ही पुराना खंडर है। थैंक यू ब्रो। यहाँ का कुछ आगे का आगे चलते हैं, फिर आगे से आपको दिखाते हैं कुछ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको लोग बोरिंग लगेगा, तो मैं आपको यहाँ से ये दिखा देता हूँ कुछ। चपोरा फोर्ट, इट्स अ वेरी नाइस दिस ब्यूटीफुल प्लेस चपोरा फोर्ट। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए हैं, भाई कौन सा किला है, चपोरा फोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये है चपोरा फोर्ट जो आप देख रहे हैं, हम लोग फुल सबसे ऊपर खड़े हैं इस टाइम, आप देख सकते हो यहाँ से बीचेस वगैरह भी दिख रहे हैं आपको, उधर दिख रहा है भाई कौन सा बीच है वो भैया, मॉन्ड्रीम बीच है और अंजना बीच है, दिस साइड अंजना बीच एंड दिस साइड मॉन्ड्रीम बीच। सो ये सब लाइन से ही है, जितने बीचेस वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है, और इस साइड में आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, सॉलिड आ रहा है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी तो। और बाकी इस साइड में आप देख ही सकते हैं कैसा है यहाँ का माहौल। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये शायद डब्लू होटल का कुछ ये है शायद, हाँ डब्लू होटल ही है जो आप देख रहे हैं, नीचे व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है, और ये समुंदर है और कितना प्यारा, अभी सनसेट के टाइम पे आप यहाँ पर देखेंगे ना एकदम जन्नत जैसा लगता है शॉलेट भाई कसम से। अभी हम कुछ आपको पीछे दिखाने वाले हैं, चलो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कितना सॉलिड है, और ये है चपोरा किला जो कि अभी खंडर हो चुका है, और अभी जो है टेम्परेली इसमें आप देख सकते हैं कितनी पुरानी जो है पहाड़ के कटे हुए पत्थर लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। बट अभी यहाँ पर लोग इन्जॉय करते हैं, सिर्फ फ़न करने आते हैं, बट अभी खाली जो है घूम के यहाँ पर, बट अच्छा लगता है, एकदम फ्रीडम है, बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। और दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर कितना प्यारा व्यू आ रहा है, सॉलिड एकदम, ऐसी जगह तो घूमना किसको पसंद नहीं होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद है तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों मेरी वीडियो पे। अगर अच्छी वीडियो लग रही है दोस्तों तो ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों। अभी आप सामने देख रहे हैं कितना ऐसा लग रहा है कि हम ही हैं और कोई है ही नहीं यहाँ पर, दिख रहा होगा दोस्तों अभी यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कितना मैं हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ यहाँ पे रुक के। और ये आप देख रहे हैं साइड में वो पहाड़ है, उधर एक माउंटेन है, फिर उधर एक जो है समुद्र है पूरा, और यहाँ पर जो है कितना ज़बरदस्त बना रखा है जो रेस्टोरेंट डेकोरेशन, और सो नाइस एवरीथिंग, सो व्यू सो सॉलिड एंड यू कैन सी दिस, सो वेरी ब्यूटिफुल दिस प्लेस एंड चपोरा पोर्ट। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। दोस्तों हमारा प्लान बन गया है, हमें जाना था होटल रेस्टोरेंट की तरफ, उस तरफ नीचे जो मैंने आपको दिखाया था कितना प्यारा व्यू आ रहा था दोस्तों, उधर आप देख रहे हैं अभी हम दिखाने वाले, चलते हैं दोस्तों वहाँ पे और कैसा वहाँ का माहौल है और कैसे मतलब कितना ज़बरदस्त डेकोरेशन है और कितना प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ पे, तो चलते हैं दिखाते हैं चल के, आप बने रहिए मेरे साथ। देख रहे हैं यहाँ पे चपोरा पोर्ट का ये जो है मेन किला का जो है, आप देख रहे हैं ये जो मेन किला है चपोरा पोर्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, फिर इधर ढाल आ जाता है नीचे, तो आपको दिखाते हैं चलिए नीचे के लिए। तो नीचे भी एकदम ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, मतलब इस राइट लेफ्ट और स्ट्रेट, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ के लिए, और ये सामने आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माउंटेन है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, सॉलिड लग रहा है, ऐसा लग रहा है जाओ मत यहीं रुक जाओ कहीं बिचा उचा के सो जाना रात में। तो अभी हम चल रहे हैं उधर रेस्टोरेंट की तरफ, तो हमारे साजिद भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि हम चलेंगे उस रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर सामने वाह 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 वाह, तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ सामने है बीच भी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर शेक्स वगैरह भी हैं, और बहुत ही मतलब प्यारा व्यू आ रहा है। अभी हम ऊपर हैं लोग नीचे हैं, तो कैसा मतलब फीलिंग होता है, तो इट्स नाइस फीलिंग है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा यहाँ पे।
दोस्तों नीचे जाने का रास्ता है बट थोड़ा स्लोप है, वहाँ पे चोट भी लग सकती है, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे अगर हमारे साथ हमें आपके साथ रहना है तो हम लोग जो है रिटर्न हो लेते हैं ऊपर की तरफ और कहीं और देखते जाके कैसा है क्या है। तो चलते हैं अभी हम। साजिद भाई तो क्या कहना आपका? मेरा तो ये कहना है जो गोवा में आता है यहाँ पर भी एक बार आके जाए, और जेपी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको इससे अच्छे अच्छे और चीज़ें बताते रहे, जो कि हमें ये चीज़ें यूट्यूब पर और दूसरे जगह से नहीं मिलने देखने को मिलती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जेपी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ब्यूटीफुल चीज़ें गोवा के अंदर देखें। थैंक यू साजिद, कभी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं तो चाहता हूँ इन्हें भी ब्लॉगर होना चाहिए, बहुत ही अच्छी स्पीच दी इन्होंने। और चलते हैं दोस्तों अभी। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ये है किला। क्या बोलते साजिद भाई, चलें? तो अब हम लोग निकलने वाले हैं दोस्तों। अभी ये आपने देख ही लिया कितना सॉलिड ये किला है, ये किला पूरा टूट के बिखर के एकदम रह गया, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया इस किले का, बट बहुत ही अच्छा बनाया था ये किला, कहाँ नसीब होता है ऐसा। तो हम लोग होटल नहीं जा पाए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा वो था टप, तो हम लोगों को जाना सही नहीं रहा, हम नहीं चलते हैं वापस। तो इधर का हम देख रहे हैं अभी सनसेट का टाइम होने वाला है, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सो ब्यूटीफुल। साजिद भाई नहीं चलते हैं, नहीं तो यहीं रुकना पड़ेगा। और ये देखो बीचेस वगैरह हैं और वो माउंटेन है सामने, यहाँ का व्यू बहुत ही जब। तो दोस्तों ये है चपोरा फोर्ट का किला, अभी देख सकते हैं कैसा है, मतलब टूट के बिखर के एकदम जो है मिट्टी में जो है धरती में समा गया है पूरा एकदम। तो इसमें अभी खाली जो है साइड से दीवारें रह गई हैं, आप जो देख रहे हैं ये दीवारें हैं साइड से और कुछ नहीं रहा, बट किसी ज़माने में बहुत अच्छा ये किला कहलाया जाता था। तो दोस्तों अरे तुम ये लेमन सोडा बनाया, लेमन सोडा सॉल्ट मिक्स करके। अच्छा कितने का है भाई? नहीं तो पैसा नहीं। अरे भाई कितने का है भाई? 40 रुपीस। तो आप जो इसमें कुछ खंडर के बारे में जानते हैं, यहाँ का जो चपोरा फोर्ट वगैरह? यहाँ दिल चाहता पॉइंट और बाहुबली शूटिंग, कई सारे शूटिंग हुए इधर। बाहुबली भी है शूटिंग हुई है? ये अपना भूतनाथ रिटर्न। भूतनाथ रिटर्न तो कौन से कौन यहाँ पर भूतनाथ रिटर्न यहाँ पर शूट हुई है? ये वो वाला पॉइंट है उधर वाला, वो भूतनाथ वहाँ पे रिटर्न है। अच्छा दिल चाहता पॉइंट का पीछे एक सेकंड ये है। तो दोस्तों दिल चाहता है ये पॉइंट ये है और ये उधर उस साइड में है दोस्तों। तो और बता रहे वहाँ पर भूतनाथ 2 उधर उस साइड में शूट हुई थी, जो दिखा रहे उस साइड में सब कुछ मिलता और भाई बिस्की उसकी सब पिला रहे हैं भाई। भाई कोकम का कैसे बनाते हो? कोकम का कोकम ये गोवा का लोकल फ्रूट है। अच्छा ये कैसे कैसे इससे ये किस लिए होता है? ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। तो कोकम का कितने का ग्लास है? कोकम 40 रुपीज़। तो दोस्तों अभी आप कभी यहाँ पर विजिट करते हैं तो भाई के पास हैं, भाई तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे बंदे लगे मुझे। सर कुछ पिला दे रोमांटिक वाला, आ जाओ। अच्छा तो चलिए दोस्तों, पैसा नहीं भैया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने रूम की तरफ क्योंकि अभी हम बहुत टाइम हो गया है, अभी हम निकले हुए तो भूख भी लगी है, खाना नहीं खाया सुबह से, तो अभी हम निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।